हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी नेचुरल ब्यूटी। तो गाइस, आज मैं यहां पर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि फेस मास्क है और पपाया फेस मास्क है गुड वाइब्स का। तो गाइस, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है गाइस पपाया ग्लो फेस मास्क। जी हाँ, गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क बहुत ही अच्छा फेस मास्क है गाइस। इसके बारे में क्या ही कहें, बहुत ही अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये फेस मास्क। तो अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो इस फेस मास्क को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ये है पपाया फेस मास्क गुड वाइब्स का। तो गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं गाइस, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं आपको, और बहुत ही सारे वेरिएंट आते हैं फेस मास्क के भी। तो मैंने यहाँ पर पपाया लिया है, पपाया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इसमें नो पैराबिन है, नो मिनरल्स है, नो सल्फेट है, नो एनिमल टेस्टिंग है। तो इसके हिसाब से कि इसमें केमिकल भी नहीं है ज़्यादा, और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो पहले तो ये ग्लास के कंटेनर में आता था, लेकिन अब ये न्यू पैकेजिंग में प्लास्टिक में आने लगा है, ब्राउन कलर की बॉटल में है। इनके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है पपाया, क्योंकि पपाया फेस मास्क है, और बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो गाइस, ये देखिए इसकी प्राइस की गाइस बात करें तो इसका 100 ग्राम का पैक जो है 245 में है, और पर्पल पे आपको गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां पर आपको हमेशा ही गुड वाइब्स पे छूट मिलती है। तो 100 का 245 का है और 50 ग्राम का 177 का है। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो पर्पल से परचेस कर सकते हैं। गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें गाइस, तो इसकी 2 ईयर की सेल्फ लाइफ होती है, और ऑल ओवर ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो गाइस, मैंने इसको यूज़ कर लिया है, ख़त्म हो चुका है लगभग, थोड़ा सा बचा है। तो यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। कई बार मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है, और बटरी बटरी सा। इसका टेक्सचर की बात करें गाइस, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा मुझे लगा। इतने फेस मास्क में सबसे बढ़िया टेक्सचर अगर किसी का लगा तो पपाया फेस मास्क का लगा, ग्लो फेस मास्क है ये। और बटरी बटरी सा इसका टेक्सचर है, बहुत ही लाइट वेट है, थिक नहीं है ना थिन है, मीडियम कंसिस्टेंसी में है। और कोई अगर आप लोग फेस मास्क यूज़ करेंगे ना, तो उसके साथ आपको एलोवेरा कुछ मिलाना पड़ता है, वाटर मिलाना पड़ता है, इसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता, इतना स्मूथली लग जाता है आपके फेस पे कि आपको क्या ही बताएं। तो इसको आपको लगाने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसको अप्लाई कर लेना है। 20 मिनट आपको अपने फेस पे रखना है, उसके बाद आपको इसको हटा देना है। तो इसकी क्वालिटी की बात करें तो गाइज, ये आपको देता है अनइवन स्किन टोन है तो उसको इवन करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है, आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, और गाइज अगर आपके डार्क स्पॉट हैं उनको भी दूर करता है। फर्स्ट ही टाइम में ही आप इसको एक बार यूज़ कीजिएगा, आपको एक बार में ही ये रिजल्ट देगा। इसको लगाने के बाद ना इतना ग्लो आता है चेहरे पे, मुझे कहीं भी जाना होता है पार्टी शादी में, शादी पार्टी में, और टाइम नहीं रहता है कुछ भी करने का, तो बस इसको लगा के और क्लीन कर देते हैं, बहुत ही अच्छा फेस लगता है, इतना लाइट हो जाता है कम्प्लेक्शन और बहुत ही स्मूथ फेस हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो गाइस, इसको सभी लगा सकते हो, ऑल स्किन टाइप के लिए ये है, लेकिन ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप लोग की भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप लोग इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ग्लो आप लोग को प्रोवाइड करेगा। तो गाइस, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।